हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक लिक्विड लिपस्टिक का रिव्यू। और ये लिक्विड लिपस्टिक है फ्रॉम एनवाई बे। इसका शेड है सिटकॉम स्पेशल 12। और गाइस, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी आउटर पैकेजिंग की। तो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, वाइट और ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, जैसे यूजुअल एनवाई बे के प्रोडक्ट्स आते हैं उस टाइप की पैकेजिंग है। और क्योंकि मेरे पास इसका एक आई लव यू टू काजल भी है और उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया था, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, मैं नीचे उसका लिंक दे दूँगी। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले एनवाई बे लिक्विड लिपस्टिक मेंशन्ड है, उसके बाद यहाँ न्यूयॉर्क की थीम पे पूरा ये बनाया हुआ है, उसके बाद इस साइड इसके सब कोट्स वगैरह मेंशन्ड है यहाँ पर, और यहाँ बारकोड मेंशन्ड है। उसके बाद अगर मैं पीछे की साइड बात करूं तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर्ड बताई हुई है, इसकी मैन्युफैक्चर्ड है मुंबई की। और यहाँ पे इसके प्राइस और एक्सपायरी और इसकी शेल्फ लाइफ क्वांटिटी ये सब मेंशन है, जिसके बारे में भी बात करूँगी। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ये एम्प्टी है, इस साइड इसका शेड का एक टैग लगा हुआ है, लगभग इसी टाइप की शेड है, और सिटकॉम स्पेशल 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, और अभी मैंने अप्लाई भी इसको किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं गाइज। उसके बाद अगर इनर पैकेजिंग की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल में आता है, तो ग्लास बॉटल के ऊपर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो गाइज, मैं आपको दिखा देती हूं कि इसकी किस तरीके की पैकेजिंग है। तो ये जस्ट इस तरीके से ओपन होती है, इस तरीके से ओपन होने के बाद गाइज, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये इस तरीके से खुल जाती है, मैंने इसको आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली कुछ मंथ्स पहले इसको मैंने लिया था, बट ये ऐसे अलग हो जाती है। तो एनीवे गाइस, तो ये इस तरीके की एप्लीकेटर के साथ आती है, स्ट्रेट एप्लीकेटर है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल एप्लीकेटर नहीं है। इस तरीके से जब भी इससे अप्लाई करते हैं तो आई डोंट नो, बाहर निकल जाती है लिपस्टिक। डो फुट एप्लीकेटर होता तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है इसको अप्लाई करना, बट एनीवेज पैकेजिंग वैसे अच्छी है क्योंकि लॉन्ग है बॉटल, यहाँ से कलर भी आपको दिख रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है इसको निकाल के लगाना। बट इसको लगाते टाइम जब हम ये एप्लीकेटर है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे लगता है, अगर ये डो फुट होता तो और भी अच्छा होता। तो गाइज, बात कर लेते हैं इसकी शेड की। तो ये शेड है सिटकॉम स्पेशल, तो मैं आपको इसका हैंड्स वॉश दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की शेड है, आप देख सकते हैं, ये डार्क पिंक शेड है, जैसा मैंने टॉप जिस कलर का मैंने टॉप पहना हुआ है, सेम यही शेड है इसकी, डार्क पिंक शेड, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा नियॉन पिंक टाइप शेड है। और शेड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत डिफरेंट शेड है, काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप फेयर स्किन टोन है या फिर फेयर टू विटिश स्किन टोन है तो आप पे बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप डार्क स्किन टोन है गाइस, तो आपको ये आपकी स्किन टोन को ये वॉश आउट कर सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप डार्क स्किन टोन है या डस्की स्किन टोन है तो आप ये मत लीजिए। अगर आप फेयर या फेयर टू मीडियम या विटिश स्किन टोन भी हैं तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है, बहुत ही जैसे कि मैंने बताया बहुत डिफरेंट कलर है, काफ़ी अमेजिंग है, देख सकते हैं हम। और गाइज, ये लगाने जब हम इसको अप्लाई करते हैं, लगाने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में, ड्राई होने में। आप देखिए, ये अभी मैंने अप्लाई किया और ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, और मेरे लिप्स पे देखिए ड्राई हो चुका है। तो ये ड्राई होने के बाद काफ़ी मैट हो जाता है, बिल्कुल मैट हो जाता है, और अभी ये गीला है तो ये थोड़ा सा लिक्विडी शाइनी शेड दिख रहा है, बट अदरवाइज ये मैट शेड है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की शेड है, मैं थोड़ा और पास से आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज, अब यहाँ बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। तो गाइज, इसकी क्वांटिटी हमें 3 ml मिलती है। यस गाइज, 3 ml काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ 195 rupees का है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। 195 तो जैसे इसका प्राइस मेंशनड है, उसके ऊपर कुछ भी डिस्काउंट वगैरह ये सब भी मिल जाएगा। पर्पल से मैंने लिया था, पर्पल से ही एनवाई बे का क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये पर्पल पर ही मिलेगा आपको। तो मैंने कुछ 160 के आसपास लिया था, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल पड़ गया। 1 year 11 months इसकी शेल्फ लाइफ है। यस गाइज, क्योंकि ये जनवरी 2019 का मैन्युफैक्चर्ड है और ये
12/2020 तक इसकी एक्सपायरी है, तो ऑलमोस्ट आपको 2 साल मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गाइज़ अगर मैं स्मज की बात करूँ और स्टेइंग पावर की बात करूँ, तो गाइज स्टेइंग पावर इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्टेइंग पावर इसकी मैक्सिमम 2 आवर्स है, 2 आवर्स एट द मैक्स है। इसका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, तो इसका फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है, एक्स्ट्रा ड्राइंग इसका फॉर्मूला है। आई डोंट नो अबाउट अदर शेड्स, मेरे पास सिर्फ यही शेड है, दूसरी शेड्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। इस रेंज में यही शेड है मेरे पास, तो ये शेड काफ़ी ड्राइंग है। और इस शेड को अप्लाई करने से पहले मैं हमेशा लिप बाम या मॉइस्चराइजर करती हूँ अपने लिप्स पे, उसके बाद भी मुझे ये शेड ड्राई ड्राई फील होता है। इवन अभी भी मेरे लिप्स पे थोड़ी ड्राइनेस फील हो रही है। तो गाइज इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको ले या आप इसको लगाएंगे, तो आप इसको लगाने से पहले लिप बाम या बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए अपने लिप्स को। गाइज बात कर लेते हैं स्मज होता है नहीं होता है। तो जब इनिशियली हम इसको अप्लाई करते हैं विद इन 1 आवर, तो ये बिल्कुल स्मज नहीं करेगा। बट आफ्टर दैट, जैसा कि मैंने बताया, 1.5 आवर के बाद, लगभग 2.5 या 2 घंटे के बाद, ये थोड़ी हटने लग जाता है मिड से। अगर आप कुछ ऑयली नहीं भी खाएंगे, तब भी ये बीच में से हट जाएगा और स्मज भी करेगा। इवन आप ऐसे भी करेंगे तो यहाँ सारे फैल जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हैंड पे, देखिए अच्छे से अब ये ड्राई हो चुका है, और ये देखिए बिल्कुल भी स्मज नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको भी अप्लाई किया है। थोड़ी देर बाद मैं इसको स्मज करूँगी तो ये बिल्कुल हट जाएगा। तो अगर आपको इसको ज़्यादा देर तक स्टे करवाना है, या फिर आप ज़्यादा लंबे फंक्शन पे जा रहे हैं, तो आपको इसको टचअप करना पड़ेगा, बार बार आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइज़ बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की। सबसे पहले मैं बात करूँगी इसके पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में गाइज़ सबसे पहला पॉजिटिव और सबसे फॉरमोस्ट पॉजिटिव जिसके लिए मैंने इसको लिया था, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि इसके रिव्यूज़ इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि इसकी शेड बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसी कोई भी शेड मेरे पास नहीं थी। मैंने काफ़ी सारी फूशिया शेड्स ट्राई की है, मेरे पास काफ़ी सारी शेड्स हैं भी, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट शेड है और काफ़ी अमेजिंग शेड है, ऐसी कोई भी शेड मेरे पास नहीं है। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप लेंगे तो आपके पास भी ऐसी कोई शेड नहीं होगी, बहुत ही डिफरेंट शेड है, जो कि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है। तो गाइज नेक्स्ट पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ, तो इसका प्राइस है 195 रुपीज़ का है। जैसे कि मैंने बताया 160 रुपीज़ की मैंने ली थी, कुछ ना कुछ पर्पल पर डिस्काउंट चलता रहता है, तो लगभग आपको 160 से 170 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। और 3 ml क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी भी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी है, उस हिसाब से प्राइस भी बहुत इसका कम है। गाइज नेक्स्ट अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, तो ये बिल्कुल ही ट्रैवल फ्रेंडली है, बिल्कुल स्लीक सी बॉटल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो गाइज हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बॉटल में थोड़ा सा डिफेक्ट है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इसका थोड़ा नेगेटिव है। ये इस तरीके से खुल जाता है बार बार, तो इसको थोड़ा टाइट करके होल्ड करके अच्छे से, और फिर इसको अप्लाई करना पड़ता है। ऊपर से इसका एप्लीकेटर, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा स्ट्रेट एप्लीकेटर है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसे अप्लाई करना। और इसको लगाने से पहले मैंने लिप बाम से अच्छे से अपने जो लिप्स हैं वो मॉइस्चराइज कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ड्राइंग है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन वाइज काफ़ी अच्छा है, अच्छी पिगमेंटेड है, कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है। बट ये कुछ नेगेटिव हैं जो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की लगेगी। और गाइज इस लुक पे मेरी वीडियो जा चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, ये मोनोक्रोम मेकअप लुक है, तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। तो गाइज बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव की। तो सबसे पहला नेगेटिव अगर मैं बात करूँ, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये देखिए इस तरीके से निकल जाता है, बिल्कुल भी ये स्टेबल नहीं है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे ये लिया, आई डोंट नो, ये इससे अलग हो गया है, और फिर आपको इससे अप्लाई करना पड़ेगा, और ये बहुत छोटा पड़ जाता है, तो आपके हैंड्स पे भी ये लग जाता है कलर। तो समहाउ मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर लेती हूँ। नेक्स्ट नेगेटिव इसका एप्लीकेटर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। अगर ये 2 फुट होता, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग कंसिस्टेंसी है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपको मॉइस्चराइजर या लिप बाम कुछ अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास इस तरीके की शेड नहीं है और आप एक पिंक लवर हैं जैसे कि मैं भी हूँ, और फूशिया पिंक अगर आपको कलर पसंद है, तो आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी लिपस्टिक्स पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा ड्राई कर दें और बहुत ज़्यादा उसका फॉर्मूला अच्छा नहीं हो, तो आप इसको नहीं लीजिए। तो गाइज़ ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग दिस NY बेस्ड सिटकॉम स्पेशल लिक्विड लिपस्टिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, या मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। गाइज़ मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।